देश में वैक्सीन की कमी के कारण पहले ही जनता परेशान है। ऐसे में जनता की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब ईयू ने भारतीय वैक्सीनों को मान्यता नहीं दी थी और साथ ही ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय टीका लगाकर आने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा की अनुमति नहीं है। इसके बाद से हंगामा मच गया था और भारत ने यूरोपीय संघ की इस घोषणा पर कड़ा रुख अख्तियार किया था। तो क्या कहा था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और क्या हुआ उसका परिणाम, देखिए रिपोर्ट। सोमवार को यूरोपीय संघ ने घोषणा की कि कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ का ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर आई, भारत में वो लोग परेशान दिखाई दिए जिन्हें यूरोप जाना था। लोगों की बढ़ती चिंता को देख अदार पुनावाला ने ट्वीट कर जनता को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि जैसे यूरोपीय संघ हमारे साथ पेश आएगा, उसी तरह से भारत भी यूरोप के साथ पेश आएगा। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यूरोप में यात्रा के लिए कोरोना प्रतिबंधों में छूट के लिए शामिल नहीं किया जाता है, तो भारत भी यूरोपीय देशों के नागरिकों को भारत में मैंडेट यानी अनिवार्य क्वारंटीन से छूट नहीं देगा। भारत के इस ऐलान से यूरोपीय संघ पर दबाव दिखाई दिया और यूरोपियन यूनियन के 9 देशों ने भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी और एस्टोनिया ने कोवैक्सीन सहित सभी भारतीय टीकों को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि इन यूरोपीय देशों की तरफ से ये कदम भारत की नाराजगी को देखकर उठाया गया है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र आज से प्रभाव में आ गई है, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति है। इस रूपरेखा के तहत उन लोगों को यूरोपियन यूनियन के अंदर यात्रा पाबंदियों में छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा अधिकृत टीके लगवाए हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन की इस घोषणा पर नाराजगी जताते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेलेस के साथ बैठक के दौरान कोविशील्ड को ईयू के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। भारत की नाराजगी को देखकर यूरोपीय संघ के 9 देश तो भारतीय वैक्सीन को मान्यता दे चुके हैं, अब बाकी देश क्या रुख अपनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लाइव की रिपोर्ट।